رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हुसैन के मकाल में आफ्ताब का पोशिदा पहलू का रद ये सीरीज का पहला पार्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पर फेसबुक पर नशर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकालमे के पहले रद्द पर ही हमें बेहतरीन पैगाम मौसू हुए आफ्ताब हुसैन ने भी अब तक हमसे राबता नहीं किया यानी हमारे जो रेफ्यूटेशन था हमारा जो रद्द था उस पर उनका कोई बयान नहीं आया लेकिन हम अपना ये काम जारी रखेंगे जब तक कि इनके ये सात पेज का मुकालमा शर्क का पेश पोशिदा पहलू इसका मुकम्मल रद मौलाना कासिम साहब अल्लाह के हुक्म से कुरान और हदीस के ही ज़रिए इसका रद्द करेंगे और हमें उसकी रहनुमाई करेंगे कि क्या इन्होंने जो ये मकालमा लिखा है ये सही है या नहीं या इन्होंने गुमराही के लिए किस तरह की चीजें बयान फरमाई पहले पार्ट में हम आपको ये बता चुके थे चंद सवाल जीता जीता बता देते हैं कि जिसमें आफ्ताब हुसैन ने बात की बुनियाद इस बात पे रखी कि एक मुसलमान शिरक नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह कासिम साहब ने मौलाना कासिम ने इस बात को वाजी कर दिया कि एक कलमा भी मुशरक हो सकता है लेकिन आगे जाके किस तरह आफ्ताब हुसैन अपनी उस बात को लेते हुए अपने मजहब को साबित करेंगे हम शर्क के पोषिदा पहलू का मुकालमा का पी डी एफ शेयर करते हैं आपकी आसानी के लिए इनके पहला जो पेज था और जो बात स्टार्ट हुई कि इन कलमा गो जो है वो मुशरिक नहीं हो सकता और फिर उसकी दलील में उन्होंने एक हदीस बयान फरमाई और कहते हैं कि ये आप लोग हदीस को सही तरह नहीं समझते इस हदीस से ये साबित होता है कि शिरक को समझने के लिए गहराई जरूरत है उस पर सोच विचार जरूरत है हदीस क्या बयान फरमाते हैं तर्जुमा शिरक मेरी उम्मत में काली रात में काले पत्थर पर काली चोटी की आहत से ज्यादा पोशीदा है मौलाना कासिम से मैं सवाल करूंगी कि मौलाना कासिम साहब हम शिरक को खुलेआम देखते हैं हिंदू लोग काफिर जो होते हैं आ, कोई बुतों की पूजा करता है कोई अपने आ, इमामों की करता है कोई अब सितारा परस्त है खुला आम শিরक है लेकिन यहाँ पर जो शर्क की बात हो रही है वो कुछ पोशीदा है क्या ये कोई अलग किस्म का शर्क है जी मौलाना कासिम साहब न अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौदु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनन शर्क लजुलमुन अजीम शर्क जैसे आपने कहा अली शरा कबील वक़ूक़ुलवाल कबीर गुनाहों में हदीस में भी कुरान में भी बिल्कुल वाज है ओपन है हर बंदा जरा सी भी अकल लगने वाला समझ सकता है कि ये बुद्ध के सामने झुकता है अल्लाह से शर्क कर रहा है ये गाय के सामने झुकता है यह गैरुल्लाह से मांगता है बिगड़ी बनाने के लिए किसी पीर से मांगता है इमाम से मांगता है शर्क है वाज है ओपन है अब बंदा इसको इस जिद को बिल्कुल सब के सामने वाजह हो जाता है हमने गुजशत जवाबात में कुरान हदीस से साबित किया कि मोमिन भी मुशरक हो सकता है शर्क कर सकता है और उसके लिए कुरान हदीस से बहुत सारे दलाइल दिए जो पार्ट वन में मौजूद है तो अब उन्होंने शर्क वाजह नहीं हो सकता है शर्क एक खुफिया कोई मामला है जिससे हर कोई नहीं समझ सकता है इस बुनियाद को सामने रख के ये दावा करके एक हदीस पेश की है हदीस बिल्कुल सही है बाकायदा तौर पर यह अबमूसाजी से रिवायत है परमाते कि खतब ना रसोल्ह तयमिन हमसे वसल्लम ने खिताब किया एक दिन बकार इत शर्क इस शिरक से भी बचो इस मखसूस शिरक से भी शिरक इसमें जो अलिफलाम है अरबी ग्रामर अरबी अदब जो बात जानता हो उसके लिए वो ये सवाल कभी नहीं उठाएगा जो अरबी अदब से जबान से नावाफ हो ग्रामर के उसूल से नावाफ हो वही बंदा इस अजीज की ये तशरी करेगा जो मशनरी साफ कर रहे हैं तो यहाँ पर इस इसकी तरफ में अदबी ग्रामर के लिहाज से बात में आऊँगा पहले मैं वर्जुमा करता हूँ हाद शर्क ये जो मखसूस शिरक है ना

काली रात में काली पहाड़ पर चलने के वो दूसरी रिवायत में वही सभी मौजूद है उसको भी हम मानते हैं तस्लीम करते हैं तो अबी पूछ रहे हैं कि कैसे हम बचे तो तुम लोग ये कहो अल उशरी नालमू ये पढ़ोगे अल्लाह तबारक वाता इस जो खास कस्म का शिरक जो मैं आपको बता रहा हूं इससे तुम्हे बचाएगा यही रिवायत माकल यसार से भी रिवायत है उसमें वाहिद के अल्फाज के साथ है यहाँ जमा के साथ था वहाँ कह रहे कि इस शिरक से आ, ये शरिक मुआफ कैसे होगा अल्लाह बिका अन उशरीका बिका वालम फिर लिमा नमू ये पढ़ लिया करो ये तुम्हें जब ये बात इस कस्म के शरिक जिसको दूसरे अलफाज में रिया कहते हैं तमाम मुहदसिन ने बाब रिया में इन को लाया है तो कह रहे हैं कि इससे फिर बच जाओगे इसको अपने अब्बास रजी तु ने भी रिवायत किया फिर आगे वो भी वही बातें बता रहे हैं किऊबी का अन उश्री भी का वह अन आलम ए अल्लाह जो मैं जानकर शिरक करता हूँ वह अस्ताफिर आलम हूँ जो बगैर जान के किए वो मुझे मुआफ फरमा ये कहने से ये सब कुछ मुआफ हो जाएंगे ये ये, ये उन्होंने ये रिवायत है इसकी तफसील है अब आते हैं कि ये हदीस इसमें कौन सी शिरक है किसकी बात हो रही है जो इतना खुफिया है पोशीदा है काली रात में काले चटान पर चूंटी के चलने के आहट से भी ज्यादा पोशीदा या खुफिया है ये इससे क्या मुराद है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि इस यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हाज शिरका और अशिरक अश ये शर्क उर्दू में भी शिरक कहते हैं अरबी में भी इसको शिरक उनका लफ्ज है ये इस पर जो अलिफ्लाम लगा है इसकी तहकीक करने की जरूरत है सबसे पहले ये समझे कि लाम जो अरबी ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं उसकी दो कस्में होती है इसमी और हरफी इसमी की तारीफ यह है कि वो अलिफ लाम जो जोदी के मानी में हो जैसे अद्दारिब। दरबा। दुरिबा आसान उर्दू में यह कि इसमें फाइल इसमें मफूल पर जो अलिफ्लाम दाखिल होता है वो इसमी कहलाता है उसके अलावा जो हर्फ है उसको अलिफ्लाम को हरफी कहते हैं और अलिफ्लाम जो हरफी है उसकी दो कस्में हैं फिर जायद और गैर जायद जायद की तारीफ यह कि वो अलफलाम जो अपने जिस पर वो दाखिल हो लिखा हुआ जुड़ा हुआ हो उसके मानी में कोई ज्यादती पैदा ना करे जैसे अन नमान अन नमान से अलफ्लाम को हटा दे नोमान भी उसी का नाम है अन नमान लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसी तरह एक जायद वो है जो जिस पर वो इंटर हो दाखिल हो जाए उसके मानी में ज्यादती लाता है जैसे रजुल है ना रजुल आम आदमी कोई भी आर रजुल खास आदमी उसमें थोड़ा जायद होने के बावजूद भी मानी में फर्क लाया तो जाहद को छोड़ दे वो हमारा मतलब भी नहीं है हम जाते हैं गैर जायद की तरफ फिर ये जो जायद की अकसाम आरजी भी होती है लाजमी भी होती है उनको छोड़ेंगे हम गैरजायद अलीफ्लाम की तरफ जाते हैं उनकी तकरीबन पांच किस्में हैं अमूमन नावी चार को कर, चार कस्मों का जिक्र करते हैं पांचवे को छोड़ते हैं उस अनफलाम की जो हरफी है जो गैर जायद है उसकी चार कस्में अर्ज कर देता हूँ नंबर एक जिनसी नंबर दो इसतराकी नंबर तीन अहद खारिजी नंबर चार अहद जहनी जो नंबर पांच बाज इस इसका भी जिक्र करते हैं जो इस्तेमाल इसका बहुत अक्ल हैदूरी तो जिन्सी की तारीफ यह है कि वलिफलाम जो जिसके मदखूल से मुराद फकत जिन्स हो जैसे अर्रजुल में अर्रजुलफ्लाम यह जिन्सी है और में अलफलाम जिन्सी है इस मिसाल में अर्रजुल अलमरअ का अलिफलाम दोनों जिन्सी है नंबर दो इस तक पे आते है वह अलिफलाम जिसका मदखूल से मुराद जिन्स के तमाम अफराद हो वह अलिफलाम जो जिस पर दाखिल हो उसके तमाम फर्द मुराद हो जैसे इन खुश तमाम इंसान 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 बेशक हर खसारे में तमाम को घेर लिया तो ये जो का काफलाम है इसको इसतराकी कहते हैं नंबर तीन अहद खारिजी मेरा मतलूब भी यही है वो अलिफ्लाम जिसका मशहूल मुतकल मुखातब दोनों के जहन में हो मैं एक अलिफलाम एक लफ्स पे दाखिल कर रहा हूं वो मेरे जहन में भी है आपके जहन में भी है और इस मुकालमे में जो बंदे शामिल है सबके जहन में वो चीज है तो उसको जो जिक्र किया जाता है उसको अहद खारिजी कहते हैं मुखातिब दोनों के नज़दीक मुतयन है वो जैसे कुरान में इसकी मिसाल आता है फ आशा फिरआउन रसूला तो देखो फ आशा फिर फिरआने नाफरमानी कीसूला एक रसूल की तो आपके जहन में कौन है मुसालाम मेरे जहन में भी तो कुरान में अल्लाह तबारक बता फरमारे कि फिर ने रसूल की ना की इस मिसाल में अलिफ, पर जो अलिफ लाम है, फर्द है जिसको कोई नहीं जानता है गैर मुतन मसल मूसा याकूब अल्लाम ने जब उनके बेटों ने कहा कि यूसुफ अम को हमारे साथ भेजो जंगल में घूम फेर के आएंगे तो उन्होंने कहा कि अकुलदेप मुझे डर है कि कोई बेड़िया इसको खा ना जाए अजीब अलिफलाम ने लगा दिया तो ये जो बेड़िया अलिफ्लाम लगा है खारिजी वाला अहद जहनी वाला ये कोई मुतन बेड़िया नहीं था कोई भी बेड़िया था तो अब आते हैं हदीस की तरफ कि हदीस में आया है कि अशिर अशिरक का लफ्ज जो आया है कि अखफा के है में जो है यह भी था और मुखातिबीन उनके जहन में भी था किस कस्म के शर्क का जिक्र हो रहा है ये एक मखसूस कस्म का शर्क था तो अब पूछेंगे कि यह मखसूस कस्म का शर्क कैसा था किस कस्म का था तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इससे मुराद वो शिरक है जो इंसान जान बूझ के नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इसको रिया कहते हैं जैसे कि इंसान घर से निकलता है महज आजान हो गई अल्लाह की इबादत के लिए नहाता वजू करता है महज अल्लाह के लिए इबादत करने के लिए मस्जिद पहुंचता है कि पहुंच के दो रकात नमाज खास खाली सल्ला अदा कर रहा हूं किबले की तरफ मुह अल्लाह अकबर नीयत भी यही किया है लेकिन बड़ा खुशु खुजू से से नमाज पढ़ रहा है दिल में आकर जरा सा ख्याल खट का ये ख्याल आया कि कोई मुझे देख रहा हो तो मैं बड़ा अच्छा नमाज पढ़ रहा हूँ, तो देखो लोग मुझे अच्छा समझेंगे न लोगों को दिखाना था न उसकी मकसद थी न नीयत थी लेकिन दिल में एक ख्याल गुजरा और बाज औत इसकी तरफ इंसान का देयान भी नहीं होता है देहान भी नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल एक हिस्सी मिसाल लेते हैं इंसान कहता है कि ए, उनके घर चोर आया आ, चोरी करने के लिए लेकिन कुत्ता भोंगने लगा वो बंदा भाग गया सुबह ये लोगों को बता रहा है तो चूंकि ये उस मुसीबत से चोरी से डाका से बच गया अल्लाह की फजल से अल्लाह ने बचाया है लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि कल कुत्ते के भोंगने की वजह से कुत्ते की वजह से घर में चोरी नहीं हुई तो देखिए यहाँ भी इसका मकसद ये नहीं है कि हमें बचाने वाला कुत्ता ही है इंसान का चूंकि ईमान है अकीदा है अल्लाह ही बचाता है लेकिन बेख्याली में इसकी नस्बत इसने कुत्ते की तरफ भी कर दी तो ये तो कोई बड़ा शिरक नहीं किया इसने लेकिन ये थोड़ा सा मुतकी इंसान के लिए परहेजगार के लिए थोड़ा सा ऐब की बात है कि भाई इसकी नस्बत अल्लाह की तरफ ही करते हैं तो ऐसी चीजें जो लाआलमी में बैर नीयत के इंसान के दिल में आते हैं उनको अख़फ़ा शरीक कहा गया रिया जिसे कहते हैं कहा कि उसके लिए तुम्हें इलाज़ में बताता हूँ उस उससे बचने के लिए जब भी ऐसा हो जाए दिल में कभी ख्याल है वह हो जाए न भी हो जाए तो तुम पढ़ो अल्लाह में पनाह मानता हूँ कहा मैं किसी को तेरे साथ शर्क करूँ हकीकत में तो मेरे तेरे साथ शरीक नहीं कर रहा हूँ मेरे दिल में एक ख्याल आया है वह अन आलम जानकर करूँ वस्ता फिर कलीम आलम और उन चीजों से जानकर तो मैं करता ही नहीं हूं शिरक लेकिन ये जो बेदहानी में बेख्याली में जो रिया वाली बातें मेरे दिल में आई है इसका भी मैं तुमसे मुआफी मांगता हूँ रसलम ने फरमाया ये पढ़ोगे तुम तो ये जो शिरफी है ये जो रिया है ये तुम्हारे दिल से खत्म हो जाएगा यहां से इस चीज को बताना मकसद है ये रिया के कस्म को शिरक से ताबीर करके उनका तोजह दिलाकर उनको समझाया गया है अब रही ये बात है कि इंसान भाला अल्लाह के सामने भी मांगता है जाके पीर के सामने सजदा करे तो वो तो बिल्कुल वाज शिरक है ना उस शिर के वाज है ओपन है साथ चाहे आप उसको शिर के जली कह दो वाज शिक्र लिख दो ओ, या इसको खुफिया से ताबीर करो ताबीरत में क्या रखा है इस तरह ताबीर करो ना करो वो तो बिल्कुल ओपन है वाजह है उस शिर कोन ने भी बयान किया हदीस ने भी बयान किया वो तो जली है ओपन सब सामने है अब आपने एक रिया की हदीस को लेकर उस बड़े शिरक से उस बड़े शिरकों को भी जो बुद्ध को पूछते हैं जो गैर-अल्लाह से वो चीज़ें मांगते हैं जो अल्लाह से मांगना है उसको भी लाके इसके अंडर छिपाने की कोशिश की और कहा कि शिरक बहुत खुफिया चीज है इसको कोई नहीं पहचान सकता भाई किधर जा रहे हो शिरक की जो भी मुसलमान कलमगु है बल्कि दूसरे भी गैर मुस्लिम भी शिरक और कुफुर को जानते वाजे चीज़ें हैं भीखो। जी भीखो। इस पर कोई सवाल बाकी रह गया हो तो आप वो, 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 वो पूछ सकती हैं मैं इस पे भी सवाल करती हूँ बल्कि अगर हमारे जो पैनल में लोग हैं मौजूद हैं मैं उनसे भी चाहूँगी कि वो भी इसके मुतालिक कोई वजाहत चाहे तो फौरन अभी के अभी कर सकते हैं जी बिलाल भाई जी जी भाई वालेकुम मेरा आपसे ये सवाल है की जब खड़े होके इमाम से दुआ मांगते हैं मगर दिल में ये होता है कि उनके पास अल्लाह का नूर नू रहे तो ये शिर तो ओपनली शिर हुआ ना मतलब जाहिर ही हुआ इसमें मक्फी होने की कोई बात नहीं है क्योंकि लारा टाइम कभी बात करते हैं इनसे तो ये कहते हैं नहीं नहीं हम उनके थ्रू मांगते हैं मगर जब वो तस्वीर में खड़े होते हैं तो डायरेक्टली मांगते हैं तो ये गैरुल्लाह से मांगने वाला शर्क वो कौन सा शर्क हुआ नहीं, ना ना नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल वाजह बताया आपने वो तो बिल्कुल अल्फाज से ही उनको पुकार के मांगते ना जब आप डायरेक्टली उनसे मांग रहे हो तो गोया के देखो दुआ में भी है उनके और दूसरे सब चीजों में है या अली मदत के अल्फाज में भी डायरेक्टली जब वो मुखातिब है तो वो तो बिल्कुल शिरक है जली है बिल्कुल वाज शिर है पोशीदा खुफिया नहीं बिल्कुल वाजह है वो उसमें तो कोई बात ही नहीं है वो कोशिश ये कर रहे हैं ना कि शिरक मशनरी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये शिरक ऐसा नहीं होता है जैसे तुम लोग किसकी वजाहत करो मैं इसकी वजाहत करता, करता हूँ शिरक बहुत खुफिया चीज है वो मुसलमानों से हो ही नहीं सकता है जब मुसलमान एक दफला पढ़ दिया उसके बाद वो बुद्ध को सजदा करो किसी को करे कुछ भी करे मुशर्क हो ही नहीं सकता ये कह रहे हैं है उनको बहुत की आयतों से वाजह कर दिया खुदा के बंदे में सकता है ये सब चीजें तो मैंने उसके सामने बिल्कुल वाजह किया था इस हदीस को लेकर वो दलील पकड़ रहे थे शिरक जो है ना इस उम्मत में बहुत ही खुफिया होगा और हदीस कौन सी वाली हदीस जिसको मैंने नाहवी लिहाज से भी ग्रामरली लिहाज से भी और जो है सहाबा कराम सवाल कर रहे हैं सामने बैठे हुए रसोल्ला उनको बता रहे हैं कि उम्मत में ऐसी चीजों से भी दिल में इसी तरह जो है ना ख्याल न भी हो बेदहानी में भी इंसान कभी ऐसी चीज़ों मुबतला हो सकता है उसका इलाज यह है वो 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 शर्क नहीं है वो वो शर्क नहीं है जो इंसान को कुफ्र तर्क ले जाता है लशर्क नाजीम उसका इलाज यह है कि तुम उस वक्त अल्लाउबी का का भी कहा वह फिर पढ़ लिया करो बेदहानी में जो रिया हुआ है वो अल्लाह तबारिक इससे भी मुआफ़ करेगा हालाँकि जो बड़ा शर्क है दूसरों को शरीक करते हैं वो तो ऐसे ये पढ़ने से इतनी मुआफ नहीं उसके लिए तोबा करना चाहिए पक्का तोबा करके उसको छोड़ ना दे जब तक वो तो वाजह शर्क है ओपन शर्क है जी माशा जी बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई इसी सिलसिले में मेरा सवाल था कि जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया सवाल पूछा और आपने माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिया मगर उसके आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये शिरक में अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या है माने उसके लिए कितनी सख्ती होगी कि अल्लाह ने क्या सख्ती कहा क्या है उसका भी जरा वाजे कर देता तो जजवार खैर ठीक है अगे अभी जो है भाई, शिर, जी, जी, शिर के जी, पोशीदा पहलू का जो टॉपिक है ना इन, इसके ही रिलेटिव अगर बात अगर हम मुकम्मल करेंगे तो मुझे महफूज करने में आसानी होगी क्योंकि वो जो अभी आएगा ना कि करता है और उसका क्या सजा है वो इनशाला इसके सेकंड हाफ में खान भाई जरूर आपको जवाब देंगे लेकिन मुझे आज एक आयत, इस तो, एक, एक आयत ही इसका जवाब है कि कोई मोमिन हो मुसलमान होकर भी शर्क करता है उसके तमाम गुनाह मुआफ हो सकते हैं बगैर आखिरत में आखिरत में आखिरत की बात हो रही है कि तमाम गुनाह अल्लाह चाहे मुआफ करेगा लेकिन शरिक को अल्लाह कहा कि मैं मुआफ़ नहीं करूंगा हाँ दुनिया में शरिक से तोबा करके गए तो तब तो उसकी खलासी है वरना जन्नत हराम है मुशरक पर छठे पारे में आता है वकाल इन जन बल्कि वाजल्फे के जो मशरक है वो जहन जन्नत में जा ही नहीं सकता छठे पारे का तकरीबन सेकेंड लास्ट पेज है मुझे फिलहाल वो आयद याद नहीं आ रही जी। अच्छा इससे इससे रिलेटिव एक और मतलब इसी पैराग्राफ से रिलेटिव ये पूछना था कि कुरान की जो आयत है कि क्या तुमने ऐसे इंसान को नहीं देखा जो अपने नफ्स को अपना इला बना लेता है क्या ये भी इसी शिरक वाली बात में जो खुफिया शिरक वाला पहलू है उसी में आ जाता है नफ्स की पैरवी करना और उसको इला बना लेना आ, आ, की पैरवी करना जी मतलब वो है कि अल्लाह व तआला को अपने मर्जी पे चलता है अपने दिल में जो आता है उसी की पैरवी करता रहता है तो नफसानी ख्वाहिशात पर चलता है मतलब एक ये है ना कि इंसान का अकीदा दुरुस्त हो फिर वो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो वो तो गुनाह है और उन गुनाहों को की वजह से अल्लाह तबारिकआ फरमा सकते हैं लेकिन नफसानी ख्वाहिशात के तबाह में वो शिरक में मुबतला हो जाए इस हद तक गए कुफुर तक गए फिर वो उसकी मुआफ़ी नहीं है उसने अपना इला बना लिया अपने नफ्स को यानी अपना खुदा अपना रब बना लिया शिरक कर दिया ये वो खुफिया शिरक हो सकता ठीक है और इसके हवाले से एक और हदीस जो मैंने सुनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तो अगले रोज अपने मस्जिद में आए तो उनका जो है वो चेहरा मुबारक थोड़ा गमगीन था लोगों ने दरियाफ्त किया कि यार रसूल अल्लाह क्या हुआ तो आपने कहा कि मेरे दो गुलाम रात को तो मुसलमान होके सोए सुबह उठे तो वो जो है वो मुशरक हो गए एक उसमें से मुशरक हो गया तो बजाय ये बयान फरमाई कि बारिश हुई तो एक ने कहा कि बादल आए और बरसे और उससे बारिश हुई और एक ने कहा कि अल्लाह ने बारिश बरसाई तो इस बिना पर दोनों में एक मुशरक हुआ और एक जो है वो मुसलमान रहा इसी हवाले से मेरे जहन में बात है क्योंकि आपने मिसाल दी वो कुत्ते की के डाकू भगा दिया और एक ने कहा कि अल्लाह ने भगाया तो ये भी चीज इससे रिलेटिव थी अगला सवाल कर लेते हैं इसी हवाले से अगर इनका यह पैराग्राफ पढ़ा जाए तो कहते हैं कि इस हदीस से यह साबित होता है कि शिर की गहराई को समझने की जरूरत है लेकिन बेषतर लोग ने खुद को शिर की सतही समझ पर यानी कि उसको ऊपर ऊपर से ही समझा है और अपने हिसाब से ही उसकी तशरी करते हैं लेकिन मौलाना कासिम ने अलहमदुल्ला कुरान और हदीस दोनों के जरिए और बल्कि लॉजिक के जरिए भी समझा दिया कि ये आपकी जो आपने तशरी की है मिस्टर हुसैन साहब मिशनरी आपने बिल्कुल गलत की है और आपने कुरान और हदीस की बाकी तमाम जो खुली आयतें हैं उन सबको रद्द करते हुए सिर्फ एक आयत को पकड़ के अपनी बात को आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं और हम साबित करेंगे कि अब आप बात क्या लेके जाना चाह रहे हैं आगे देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बयान फरमाया था जो हमारा पिछले दफे रह गया था क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल चाहिए थी सवाल इनका यह था कि सूर्य अख्लास में कि आखिरी आयत में वलम याकुल्लाफुअ इसमें अल्लाह सुबह तला ने अपने आप को मिसाल से पाक करार दिया तेजी से पढ़ती हूँ जबकि दूसरी तरफ खुद को ही तशबी आयात में अल्लाह तला ने इंसानी सफ़ात से मुतसब यानी अल्लाह ने अपने आप को इंसानी सफ़ात से मिला लिया मसलन खुदा का चेहरा अल्लाह का हाथ खुदा की पिंडली खुदा की आंखें खुदा का पहलू खुदा का फरिश्तों के साथ आना वगैरह वगैरह सवाल इन्होंने क्या किया था सवाल सुन लीजिए कहते हैं कि इस मरहले पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन दो किस्म की आयत पर कैसे अमल किया जाए यानी एक में तो अल्लाह कहता है मैं मिसाल से पाकूं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी मिसालें खुद बयान फरमा दी मौलाना साहब हमारी रहनुमाई कीजिए इस हवाले से इसमें भी इनको बहुत बड़ी गलत फहमी कम एलमी की वजह से हुई है एक इंसान है ना वो जब कुरान को समझने के लिए मुकम्मल कोशिश करता है वो ग्रामर पढ़ता है अरबी लगत थोड़ा बहुत पढ़ता है साफ दिल होकर वो कुरान पढ़ता है तो अल्लाह सुबहान तला उसके लिए उसका शरा सदर फरमाते दिल खोलते हैं तफक् नसीब करते हैं समझ देते उनको एक बंदा जो है ना मुतासिबाना राय रख कर सिर्फ जो है ना कुरान से बातिल चीज को साबित करने के लिए दलील पकड़ने की को कोशिश करे तो एक आयत पढ़ रहा होता है साथ जुड़ी हुई अगले आयत चूंकि उनको ये पता है कि इसमें मेरी दलील है पूरे कुरान भी आप नहीं पढ़ चुके होते हैं इसलिए साथ अगले पेज में जो, जो अल्फाज है ना वो उनको पता नहीं होता है अबर और ये वो बहुत सारी चीजें ना आयतें ऐसी है मैं चूंकि दलील के तौर पर बाजा उनकी तिलावत नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे इनको पता ही नहीं होते तो उधर से भी कोई बातिल चीज निकालने की ये कोशिश करेंगे तो अब हुँ। आता हूं मैं इनके सवाल की तरफ इन्होंने जिक्र किया है देखिए इनकी कम को मिस और मसल में भी इनको फर्क नहीं है बेचारे को मिस और मसल में भी ये दो मुख्तलिफ लफ्स हैं एक है मिस मीम के नीचे जेर सा के ऊपर साकििन और लाम मी, और दूसरा है मसल दोनों की जैसे कुरान में आते ना बशरुम मिसलुना बशरुम मिसलुना काफिर क्या एराज करते थे कि भाई हमारे पास कोई और नबी भेजो ये तो हमारे जैसे इंसान है बशरुम मिसलुना ये तो खाता पीता भी है बाजार में खरीद फरोख भी करते हैं और अच्छा दूसरा मौके पर अंबिया ने खुद भी बता दिया कि इन नरुम मिसलुकुम मैं भी तुम्हारे जैसे जैसे ही यानी जात में आम लोगों के जैसे जात में अपने बॉडी के मैन्युफैक्चर में दो हाथ दो आंखें नाक सर दो पैर इस तरह अपने ज़ात में इन भी बशर हूं कैसा जात में बिल्कुल तुम्हारे जैसा सिफात में क्वालिटीज में हिदायत में इन चीजों में नहीं सिर्फ जात में मिसल दो जगह कुरान ने मिसल जिक्र किया अब आते हैं दूसरा लफ्ज है मसल मीम के ऊपर भी फतहा है और सा के ऊपर भी लाम साने मसल जबर है जैसे कुरान में आता है का एक जगह आया है अयुन फूना यह मसल है तो एक होता है जात में तशबी देना एक होता है सिफात में तशबी देना तो यहां पर अल्लाह तबारक वाली ने चूंकि भी जिक्र किया है उन्होंने अल्लाह तबारक ने अपने के मिसल देने से ममनू करार दिया है मिसल यानी अल्लाह के के जैसे किसी को बताने से मना करार दिया चाहे कोई पीर हो जाहिर लोग किसी पीर को मुश्किल कुशा होने में हाजत रवा होने में इज्जत देने में जरील करने में रिज देने में कहा कि मिसल अल्लाह के जात के नहीं है ये ये बताने के लिए मिसल नहीं है अलबत् अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सिफात की मिसाल जिक्र की है सिफात की ना जैसे कि कुरान में आता है मसल ही रही का मिसबा तिनफिया मिसबा तो देखिये अल्लाह तबारक व सिफात दो कस्म के हैं सिफात वाला बता के फिर मैं की तरफ दोबारा आता हूँ अल्लाह तबारक व सिफात है वो दो कसम के हैं एक वो सिफात होते हैं जो महज अल्लाह तबारक व हैं। दूसरे वो सिफात है तबारक व तला ने अपने मखलूक में भी रखा है जैसे मसल नूर ही फरमाया कुरान को, को भी नूर फरमाया बहुत सारी चीजों को नूर के बेस में हमने पढ़ा था तो जैसे रऊफ है रसोलम के बारे में आता है कि राऊफ और हम आम आदमी को भी रहीम जिसमें रहम और रहीम कह सकते हैं रहीम नहीं कह सकते रऊफ कह सकते और रऊफ नहीं कह सकते ये सिफात कुछ सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में भी रखा है इंसानों में भी रखा है ताकि इनके जरिए से इंसान अपने रब को पहचाने कि हमारा रब कैसा होगा जब इंसान ये रहम करता है हमारा रब रहीम है तो उसका रहम किस कदर होगा ठीक है ना ये सिफात जो इंसान को अपने सिफात इंसानी से मुतासिफ किया कह रहे हैं ना सिफात से मुतसिफ किया तो उन सिफात में मुतासिफ किया है लेकिन सिफात मखसूसा में आपने इंसानों को अल्लाह तबारक व ने शरीक नहीं किया है जैसे रिजक देने में उसमें बगैर इसबाब के मोहताज किए हुए इंसानों को अपने इन सिफात में अल्लाह तबारक वाले ने शरीक नहीं किया है अब आते हैं कुरान में जो कह रहे हैं ना कि लई सा ही तो मिसल नहीं अल्लाह के जात के ठीक है ना उनके सिफात का मसल है मिसाल है मिसल नहीं है मिसल। इतनी बात आई कि नहीं आई बिल्कुल क्लियर बिल्कुल जब उन एक जगह कह रहे कि एक जगह कह रहे कि उसके जैसा लैसा का कमिसली ही शै मिसल उसके मिसल नहीं है ठीक है ना तो जाहिर बात है वहन जात मुराद है अल्लाह के जात के मिसल कोई नहीं है दूसरी जगह जब मिसल बयान हो रहा है उसकी सिफत की तो वो अल्लाह की वो सिफत है जो दूसरे में को भी वो दे दिया गया है वो सिफत मुराद है जैसे बहुत सारी रऊफ रहीम की मैंने मिसालें आपके सामने रखी तो अल्लाह तो ताला का ज़ात का गिराव कोई चीज नहीं कर सकती है इसलिए उसके ज़ात के मिसल देने से लोगों को फला तदरीबूल जो दूसरी जगह मना किया गया है वो उसके ज़ात के मिसाल देने से मना फरमाया है अब ये क्यों ओ, मिसाल दे दी पेश किया ये मैंने आपको बता दिया अब मैं आता हूँ ज़ात की तरफ ज़ात में अल्लाह तबारिक तबारग ने जो फरमाया है मशनरी साहब ने जो कहा है कि ए, साख का जिक्र किया है बलिय मबसूता आजा का जिक्र किया है ये भी फस, बलागत कुरान में इलम बलागत होती है इलम बयान इल बदी समझने के लिए इन पर भी अगर दस्तरस नहीं शुदबु होना जरूरी है वरना इंसान गलत पिसल जाता है फसाहत बलागत क्योंकि कुरान जो है ना सबको जो आजिज कर रहे हैं ना वो कर रहा है फसाहत बलागत में वरना तो अरबी का हर सेंटेंस हर कोई लिख सकता है लेकिन उसमें फसाहत है बलागत है या नहीं है अदीब इसको देखते हैं देख कर जो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते रद्द हो जाते हैं ना वो फसाहत बलागत में नहीं कर सकते तो इन चीजों को समझने के लिए कि कुरान में पिंडली का जिगरे का जिक्र है अल्लाह हाथ का जिक्र है और चेहरे का जिक्र है तो फसाहत बलागत से भी इंसान को वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत उस, उस तरफ में आता हूं लेकिन एक सरसरी मुख्तसर सा मिसाल भी मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे ये जो ग्रुप में शामिल अफराद है सुनने वालों को आसानी से समझ में आए क्योंकि उनको बताने के लिए जरा तफसील करना पड़ता है अल्लाह ने लोगों को मिसाल देने से मना किया फला तद अल्लाह के लिए मिसालें बयान मत करो लोगों को मना किया है जितनी मिसालें आपने पेश किए वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मिसाल दी तो, तो जो है। लोगों को मना करे उससे ये उसूल लोगों के लिए अल्लाह तो इसके पाबंद नहीं है अल्लाह अपने लिए मिसाल बयान कर सकता है ठीक है ना अल्लाह को मिसाल देने से मना किया है अल्लाह तो तो खुद अपने हुक्म का पाबंद नहीं अल्लाह चीज का कोई चीज अल्लाह पर वाजिब नहीं है ये मुसलमानों का अकीदा है अब आते हैं तला ने यह अरबी का, का मुहावरा है ठीक है अरबी का मुहावरा है जब हालत बहुत गड़बड़ हो जाए हालत इंतहाई कशीदा हो जाए जो है ना पाओ अपने जगह के पे खड़ा ना हो जंग इस हालत को पहुंच जाए उस वक्त कहते हैं अनसाक ठीक है ना कहते हैं कि बिना अम्र। कर्बुन शदीद। इस मौके पर ये साक का मुहावरा इस्तेमाल होता है यहाँ पर कुरान में भी ये इसी तरह इस्तेमाल हुआ है मुहावरा इस्तेमाल हुआ है मसलन आप मैं है मैं अरबी में मुहावरा है कि अब पछताए क्या हु जब चिड़िया चुग गई खेत तो ये आपके सामने ये कहा बातचीत में कोई काम कर रहा था कहा कि मौके पर ही इसको खत्म करो देर करोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा तो ये समझाने के लिए ये मुहावरा कहा गया अब अगर आगे वाला ये कहे कि भाई वो जो चिड़िया है वो किधर है वो खेत जो खाएगी वो मुझे दिखाओ उससे कहा जाएगा कि यार मैं आपको एक मुहावरा जो हर उर्दू समझने वाला कहेगा कि यार ये एक मुहावरा है न कोई खेत है और न कोई चिड़िया वहां खा रही हैं तो इसी तरह जो है ये अब आप ये सवाल उठा सकता है और मशनरी साहब तो उठाएगा भी नहीं क्योंकि ये समझ नहीं कि भाई यहाँ पर आप एक बिल्कुल वाजरी लफ्ज को मुहावरे की तरफ क्यों ले जा रहे है ठीक है ना मुहावरे पर क्यों ले जा रहे हैं ये सवाल बनता है तो आयत के सियाक सबाक को देखे और ये उसी है बलागत का अब आता हूँ बलागत की तरफ कि जहां पर लफ्जी हकीकी माना मुताजर हो वहां पर उसका मजाजी माना मुराद लिया जाता है यहां पर हम असल माने से मुहावरे की तरफ इसलिए तजावुज किया कि यहां पर हकीकी माना मुताजिर है और जो है ना मजाजी माना वो इसके ज्यादा वजाहत है उसमें इसलिए जहां मुताजर हो वहां पर मजाज की तरफ रुजू किया जाता है मसला कुरान की आयत को देख हम अभी जाते हैं मुफसरीन के पास यो मूक शफफानसाख को लेकर अब मुफसरीन के पास जाए है तो मुफसरीन फरमाते हैं तफसीर इन जरीर में है कि हुआ कर्ब उन शदीद यहाँ पर कुर्ब शदीद मुराद और अ, अच्छा अरबी का एक शेर है ना उसमें भी ये पता चलता है जब जंग छिड़ जाए दोनों तरफ पहले जमाने में जंग ऐसी होती थी कि पहले मुबाजरत में एक दूसरे को ललकारते थे जैसे कि बदर के मौके पर हुआ था काफिर उदबा शेबा वगैरह निकल के कहा कि है कोई आ, आ, तुम में से ऐसा जवान जो हमारे मुकाबले में निकले कहा कि हम ऐसे वैसे लोगों से नहीं लड़ेंगे हमारे मुकाबले में कुरैश को निकालो जो हमारे हम पढ़ ला है इधर से ललकारते हैं फिर दो तीन बंदे मुकाबले में आते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं एक दूसरे को पिछाड़ते हैं लश्कर के उस कोने में लड़ाई शुरू होती है इस कोने में लड़ाई शुरू होती है एक दूसरे में घुस के वो लड़ाई होती है बिल्कुल अपने मौजों पर है लाशें गिर रही है किताल हो रहा है तो उस मौके पर कहा जाता है कि कशफा अनसाक अल हर्ब कशफा अनसाक अल हर्ब बिना अनसाक कहा जाता है कि हम पर बहुत सख्त वक्त आ गया बहुत शदीद वक्त आ गया जंग अपने इंतहा को पहुंच गई उस वक्त ये मुहावरा बोला जाता है और मुजाहिद रहीम अल्लाह तफसीर में इससे शिद्दतुल अमर मुराद ले रहे उन्होंने लिखा है बाकायदा और तफसिर ने जरी में हुआ कर्ब व शिद्दा कहा कि कशफान साहब का तर्जुमा कर और शिद्दा किया बरी साहब अल्लाह का हकी मुराद ले रहे खुदा के बंदे मुझे इतने तबसरीन को छोड़कर अरब मुहावरे को आप अब चुड़िया चुक गए खेत को मैं ये कह दूं कि चुड़ियों ने सारा खेत खा लिए तो ये ये तो कोई तुक नहीं बनी ना ये तो मुहावरे को बिगाड़ दिया कहेंगे यार ये क्या बोल रहे हो ये तो मुहावरा नहीं है ठीक है ना उसमें इतनी तब्दीली की मैंने उसका भी हलिया बघेड़ भी दिया उर्दू मुहावरे का सत्या नाश कर दिया जब मैं ऐसा बोलूं तो यह, यहाँ पर ना अब जाते हदीस की तरफ जब आप इस आयत के तहत बड़ी बड़ी तफसरों में देखेंगे तो उसके तहत हदीस भी लिखी होती है बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि क़ियामत के दिन लोग अल्लाह तबारक व तौला को सजदा करना चाहेंगे जो मोमिन होगा सजदा कर पाएगा वो जो सख्त कुर्ब शिद्दत का वक्त होता है ना उस वक्त का शफा अनसाख साक यहाँ पर इसलिए भी ए, ए, मुहावरा में सही आ रहा है ना कि यहाँ पर ये नकर इस्तेमाल हुआ है साक ही अल्लाह के पिंडली नहीं कहा गया है जब युग शफा सा पिंडली खोल दे तो यहाँ पर शिद्दतुलमर मुरादे की हालत इतना होलनाक होगा क्या बपा है योम हशर है नफसा नफसी का आलम है तो सजदा करना चाहेगा आयत का अगला हिस्सा है कहा कि ऐसी हालत में सजदा करना चाहे तो जो मोमिन हो सजदा कर पाएगा जिसके दिल में निफाक हो मुनाफ हो मुफिर हो काफिर हो सजदा नहीं कर पाएगा तो देखे इस हदीस से भी पता चलता है कि यहाँ पर शिद्दतुल अमर खतरनाक होलने होलनाकी का अंदाज़ मुराद है मुहाविरता यहां पर कोई हकीकी अल्लाह की पिंडली मुराद नहीं है ठीक है तो इससे यह समझना चाहिए था मैं मैं एक दो चीजों की तरफ और जरा एक एक-एक को डिटेल जो इन्होंने जितने अल्फाज़ इस्तेमाल हुए ना में सब में जाओ तो सब में इतने डिटेल करनी पड़ती है मैं उन सब की तरफ एक इशारा कर देता हूं कि वहां पर भी अक्सर मकाम पर मुहावरातन इस्तेमाल हुए है मसलन उन्होंने बालियादाबसूतान अल्लाह के हाथ लंबे हैं ठीक है ना इ, इसको लिया है अब हमारे यहां मतलब आपके मैंने आपको कहा कि आपने ये ये चीजें घर के लिए इतनी खरीदारी क्यों नहीं है तो आप कहेंगे कि अगले महीने करेंगे मतलब आपके पास उनके लिए इतन, उस वक्त फिल वक्त रकम मुहैया ना हो तो आप कहेंगे कि मेरा हाथ तंग था मैंने नहीं किया अब ये हमारे इलाके में किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा होने का इम्कान था हमने कहा कि यार उनसे निमेट लेंगे उनसे मुकाबला करेंगे तो एक बंदा कहता है कि उनके हाथ बड़े लंबे हैं हाथ बड़े तो हाथ तंग होने से क्या हाथ के छोटा हो जाता है है या हाथ लंबे से, होने से मतलब कि उसके दो बाजू जाकर उधर ऐसी तक पहुंच गए नहीं महावीरतन कहा जाता है कि उसका सोर्स उसका बहुत ज्यादा आगे तक है ताल्लुकात बड़े ज्यादा है हाथ तंगों से मतलब ये होता है कि इसके हाथ कानून के हाथ लंबे हैं तो कानून कोई चीज थोड़ी जिसके हाथ लंबे होंगे वो तो एक लॉ होता है एक चीज है इमेजिनरी चीज है तो वही ना तो, कानून स्ट्रांग होने को ऐसा मुहावरा ताबीर किया जाता है तो इन सब में हकीकी माना मुराद लेकर उनको मिसाल लेकर उनको फिर दो कसुम में तब्दील करके अः खा बंदे पर एक चीज को इल्जामन साबित करने की कोशिश की है हालांकि इनकी हकीकत जितनी उन्होंने मिसालें मिसालेंगर की है चाहे वो अल्लाह तबारक व के आजाद से मुतल हो या जो है ना दूसरे सिफात से मुतक हो ये इसी तरह है जाने जैसे मैंने आपके सामने वाजह करने की कोशिश की है तो इससे इससे ज्यादा आगे बढ़कर भी इनकी वजाहत हो सकती है लेकिन जहाँ पर आपने साख वगैरह मुराद लिया हो अगर बिलफर्ज मैंने आपको मुफसरीन का एक और राय भी मैंने आपके सामने रखी थी कि इनके अलावा मुझ मशनरी साहब जहाँ जहाँ वो पेश कर रहे हैं इनके अलावा जाकर आप देखें जहाँ पर वाकई अल्लाह तबारक व ताल के लिए यद वगैरह का लफ इस्तेमाल हुआ है वो अगर ऐसे आजा अल्लाह तबारक व तै के हुए तो अल्लाह के शाये नशान है हम दुनिया में उनको न तस्वूर में ला सकते हैं न कोई अकल उनका एता कर सकता है और बाज अवत मुफसरीन मौक़ मुनासिबत की वजह से जैसे मुहाविरता मजाजता अरबी लुत की फसाहत बलागत की बुनियाद पर उनके वो माना मुराद लेते हैं जो उस मौके महल के लिए होते हैं जैसे कि अल्लाह की जत अल्लाह की कुदरत अल्लाह की मदद अल्लाह की नुसरत मुराद होते हैं जी भी। 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 मौलाना कासकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसमाइली भाई बहनों के लिए ये जो शिरक का लफ्ज़ लफ, लफ है ना उसकी आप पूरी तरह से तशरी फरमाएं क्योंकि जिन जिन रिवर्ट से मैंने बात की थी तो सबका ऑलमोस्ट टोटली यही होता है कि बात शिरक से शुरू होती है कि हम अल्लाह से नहीं मांगते हैं इमाम से मांगते हैं तो वो एक शिरक होता है तो उससे कैसे बचा जाए और ये उस लफ्ज़ का जो है ना आप जरा तशरी मामला फरमाए थे बहुत बहुत ठीक है बयान कर देंगे, देंगे। मुख्तसरन अब सवाल है ना मुख्तसरन एक दो जुमले में मैं अर्ज करता हूँ कि हम अगर कोई कंपनी स्टार्ट करे तो कहते हैं के कि एक मैं हूँ एक मेरा पार्टनर. शरीक है पार्टनर एक मेरा शरीक है तो शरीक उसे ही कहा जाता है शरक यश्र कु शिरकतन साथी होना दो होना जोड़े होना या उससे ज्यादा होना उस वो लफ्जी तौर पर पार्टनर होना मिल के एक साथ होना तो इसलिए शराकत दार कहते हैं कोई किसी का पार्टनर बनता है तो ये लफ्ज ही एक के लिए नहीं होता है एक से ज्यादा के लिए होता है लफ्जी तौर पर और इस्तिलाही तारीफ ये है कि अल्लाह सुबहान जात में या उनके वो सिफात जो सिर्फ अल्लाह के साथ मखसूस है उनमें बिला इसबाब के एहतियाज के किसी को शरीक करना शर्क है तो ये अग खान से मांगना कैसे शर्क होगा हम अगर टेलीफोन करें टेलीफोन करके कराची में दुबई में अमेरिका में दोस्त से कहे कि यार ये मेरे साथ ये मदद करो मेरे लिए इतने पैसे भेजो या फलान के बात करके मेरी सिफारिश करो ये देखो इसबाब जरा को हमने इस्तेमाल किया टेलीफोन है इंटरनेट है ये शर्क नहीं होता है बाबू जराए के डायरेक्टली किसी के साथ किसी से मांगे ये शिरक होता है मेरे ख्याल में हमने इसको बड़ा एक दफा मिसालों के साथ तफसील के साथ बड़ी जी वाजे जी जी किया था असबाप उस जराये को इस्तेमाल करना शिरक नहीं होता है असबाप जराये से हट कर बगैर तार के हम अगर पुलिस को भी पुकारना शिरक होगा हम पुलिस को भी कॉल करते टेलीफोन से या किसी को उसके पीछे भेजते हैं हम अगर मस्जिद में बैठ के कहे कि या साहब हमारी मदद फरमा, तो ये शिरक हो जाएगा डायरेक्टली क्यों? हम इसबाबरा के बगैर कर रहे बहुत अच्छा किया। नहीं, बिलाल भाई ने बहुत और कासिम अच्छा साहब से एक बात से जोड़ना चाहूँगा की अल्लाह सुबहाना ने सोरे आयत नंबर ट्वेंटी फरमाया है के कि तो मेरा कोई पार्टनरशिप नहीं है मेरा कोई पार्टनर नहीं है मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है तो जो इसमानी लोग कहते हैं कि आगा खान साहब जो हैं तो हजर है इमाम साहब इनके वो मजर अल्लाह हैं मजर अल्लाह कहते हैं ना उनको वो तो मजर अल्लाह तो अल्लाह का दोस्त हाँ तो अल्लाह खुद फरमा रहे कि मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है मेरा कोई मददगार नहीं है मेरा कोई पार्टनरशिप नहीं है तो फिर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं आगा खान साहब कि मैं मजर अल्लाह हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं खुदावंद हूँ तो गुमरा गुमराह में लेके जा रहे हैं इस वाली कौम को ठीक है मैं जरा प्रोग्राम का दोबारा से आपको क्लियर कर दूं आज हम सिर्फ आफताब हुसैन साहब का मकालमा शिर्क का पोशीदा पहलू उसका रद्द कर रहे हैं रेफ्यूटेशन कर रहे हैं जो जो वो बात करना चाह रहे हैं हम वो साबित कर रहे हैं कि आपने जो तफसीर ली तरीका लिया वो गलत है कुरान में ऐसा नहीं हदीस में ऐसा नहीं है इसी के मुतालिक प्रोग्राम पहले एंड कर लेते हैं उसके बाद हम इसके मुतालिक सवाल भी करेंगे और उसकी वजाहत भी करेंगे प्रोग्राम को कंक्लूड करना है विद इन वन आवर इसलिए आपके क्वेश्चन भाई ने किए या बिलाल भाई ने इंशाल्लाह सेकेंड हाफ में कर लेते हैं आम, कासिम भाई अगले सवाल की तरफ चलें जी ठीक है अच्छा अब यहां पर तो ये बात क्लियर हो गई लेकिन मैं दोबारा से पॉइंट कर दूं कि यहाँ पर जो आफ्ताब हुसैन का पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर मैं एक सीक्वेंस बता देती हूँ पहले उन्होंने कहा कि शिर मुसलमान नहीं कर सकता कलमा वो नहीं कर सकता उसकी वजहत में उन्होंने हदीस पेश की जिसका रथ मौलाना कासिम ने कर दिया तीसरी बात में उन्होंने ये साबित किया कि इंसानी सिफात भी किसी इंसान में हो, हो अल्लाह की सिफात जो है वो किसी इंसान की मिसाल देकर भी बयान हो रही है दोनों आयतों में तजाद है वो पॉइंट बनाना चाह रहे हैं और अब हम उस पॉइंट की तरफ चलते हैं फॉरन से यहां पर आ जाता है इनका वो पॉइंट जहां पर वो ये बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम सलाम को खलीफा बना के भेजा गया कुरान शरीफ की उन्होंने आयत भेज दी फिर उन्होंने खुद ही उसके लकवी मायने बयान फरमाए जानशीन होते हैं लफ्ज खलीफा के लकवी मायने जानशीन के होते हैं उससे मुराद ऐसा शख्स होता है जो मिसाल जब कहते हैं फला फला शख्स का जानशीन है तो मतलब उन्होंने एक तरह की ताना बांधा है कि अल्लाह का जानशीन में भी वो सफात होंगी जो कि अभी आपके सामने ऊपर हमें स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि अल्लाह का हाथ अगर है तो अल्लाह जब अपने आप को मिसाल से पाक कहते हैं तो फिर मिसालें क्यों दी तो इसका मतलब कुरान में तो आपस में टकराव नहीं हो सकता तो टकराव तो है नहीं इसका मतलब ये कि अल्लाह जो मिसाले अपने लिए जी कासिम भाई अच्छा जी तो इसमें जो है वो ये बयान फरमाना चाह रहे हैं कि अब आ जाइए कि जिन मिसालों से अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं अपने आप को अल्लाह का हाथ अल्लाह का चेहरा अल्लाह का जो है चलना बोलना हर चीज वो खलीफा यानी जानशीन अब इसके मुतालिक मैं आगे सवाल करूंगी इन्होंने एक लंबी तहमीद बांधी है उसकी अतलाह की फिर उसकी सिफात की सिफात की बुनियाद पर उसे जो है वो अल्लाह का खलीफा कहा जाता है ये ये आपके सामने मैं ऐसा ऐसा पढ़ते जाएंगे लेकिन मैं चंद स्टार्टिंग में ही सवाल कर लेती हूँ खलीफा के मुतालिक एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा अच्छा मैं एक और बात बयान फरमा दू आफताब हुसैन साहब को आज के प्रोग्राम का भी लिंक दे दिया गया है इन्होंने सीन किया देखा पर इन्होंने जवाब नहीं दिया ना वो इस प्रोग्राम में आए जिस तरह पहले प्रोग्राम में भी उन्होंने ना आने वाली जो चीज थी वो की है मैं यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल मैंने बना के रखे थे खलीफा के मुतालिक जी आगे मेरे पास सवाल नंबर पहला मौलाना कासिम साहब खलीफा कौन होता है कुरान और हदीस के हवाले से हमें आ, इसकी रहनुमाई कीजिए जी तो मशनरी साहब ने जो वैज़ खलीफा इस पे बहस करके यहाँ से कोशिश ये कर रहे हैं कि, कि किसी तरह जो है ना इसको खिलाफत को फिर इमामत से जोड़कर पहले तो ज़ाहिर बात है इमामत को साबित नहीं कर सकते हैं खिलाफत को किसी तरह ऐसा किया जाए ऐसी तारीफ करके उसको जोड़ दिया जाए और इमामत के साथ और फिर उसमें लाकर आ खान अल्लाह का खलीफा बनाकर साबित किया जाए बहरहाल ये होना हो नहीं सकता है मुमकिन नहीं है सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने खिलाफत की लुगवी तहकीक चलो ठीक है जानिशीन नाइब नाइब को कहते हैं ठीक है ना और उन्होंने ये किया कि पहले वाला कही जाए तो दूसरा वाला उसका खलीफा बने इस तरह फिर अल्लाह तबारक व तौला की जात ऐसा तो नहीं है कि गैर हाजिर हो या कही जाए दूसरे मुल्क के ए, उस विजिट पर पीछे किसी को नाइब बनाई है तो अल्लाह तबारक व ताली की जात में मुमकिन नहीं है ठीक है मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ देखे इस लाइन में ही इन्होंने बड़ी ही खौफनाक एक बात की है कि अल्लाह का मायनी जानशीन से मुराद एक ऐसा शख्स जो दूसरे की जगह ले अब अल्लाह अल्ला 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 का जानशीन और उसकी जगह ले मिसाल अब ये आप इसी से आप शुरु जी शुरुआत कीजिए कि यहाँ पर उन्होंने तहमीद ये बांधी है अल्लाह के जानशीन खलीफा की इतला तारीफ उन्होंने की जिनके अकवाल अफ़ाल अहवाल अल्लाह के अकवाल अफ़ाल जैसा हो या हो आ, तो देखें इंसान के अकवाल अल्लाह के अकवाल जैसे नहीं हो सकते इंसान के अफ़ाल मसलन इंसान खाता पीता है तो वो क्या अल्लाह का व ताले की तरह हो सकता है इंसान मोहताज है खलीफा मोहताज होता है चाहे एज नबी हो वो भी तो महताज है ठीक है नबी से बहुत सारे अकवाल अम्बिया के ऐसे होते हैं जो अल्लाह तबारक व तला के अकवाल अफाल यहाँ पर इन्होंने खलीफा की असला तारीफ गलत की अच्छा ख़लीफ़ा इस आयत से और दूसरे आयतों से जमीन का इंतजाम और इसमें खुदा का कानून नाफिज करने के लिए इसी की इसकी तरफ किसी नाइब का मुक्र होना इन आयत से मालूम होता है और इससे ये ए, का एक मुल्क का ए, एक उ निकलता है एक इकतदार का इकतदार आला अल्लाह तबारक वाले के लिए पूरी जमीन पर सिर्फ अल्लाह ताला का ही है जैसे कुरानी मजीद में है कि इनकम अल्लाह सिर्फ अल्लाह के लिए लहू मुल को समावत यह आसमान ये जमीन इसमें मिलकियत इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है अलाखल्कमर खलक भी और अमर भी किसका है सिर्फ अल्लाह का है अमर और खल में कोई भी उसके साथ शरीक नहीं है तो इन आयात से पता चलता है कि इकतदार आला इंसानों पर हुकूमत का इख्तियार ये सब अल्लाह तबारग व की है जमीन के इंतजाम के लिए अलबत् इन अर्द खलीफा अल्लाह ताला की तरफ से नाइब आते हैं यही जो अल्लाह तबारक व ताली की इजाज़त से जमीन पर सियासत हुकूमत और अल्लाह ताला के बंदों की तालीम तरबियत का काम करते हैं और अल्लाह के अहकाम को नाफिज करते हैं तो उसी को खलीफा और नाइब कहते हैं खलीफा और नाइब जो अल्लाह तबारक व ताल के अहकाम को नाफिज करे लोगों पर और उसका तकर उस खलीफा का तकर बिलासता अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होता है इसमें किसी के कसब अमल का कोई दखल नहीं होता एक बात उसने इतनी एक बात उसने सही जुमला एक ये कह दिया है कि ये लदुनी होता है लदुनी कहता है हमारे अंदाज में इसको वहा भी कहा जाता है वहब कहते हैं ना देना ये अल्लाह तला तला की तरफ से वहाँ भी होता है ये खिलाफत मिलना कैसे भी नहीं होता है कोई इंसान अपनी कोशिश मेहनत से ये खिलाफत हासिल नहीं कर सकता है ये सिर्फ अल्लाह तबारक वाली बिला वास्ता उसका तकरूर करता है उस खलीफा का बल्कि अल्लाह ताला खुद ही अपने इल्म हिकमत के तकाजे से खास खास अफराद को इस काम के लिए चुन लेते हैं जिनको अपना नबी रसूल खालिफ खी नाइब करार देते हैं तला है, कर लेता है फरिश्तों में से अपने रसूल को और इंसानों में से एक जगह आता है कि अल्लाह आलम सेल रसालत अल्लाह ही खूब जानते कि अपनी रिसालत किसको अता करे तो ये खलीफा अल्लाह बिला वास्ता अल्लाह ताला से ही उसको अहकाम डायरेक्टली मिलते हैं और फिर उनको दुनिया में नाफिज करते हैं वो तो ये सिलसिला खिलाफत या आप समझे के नियाबत नाइब होना अल्लाह का नाइब होना ये आदम से शुरू होकर खातिम्बिया सल्लम तक एक ही अंदाज में चलता रहा यहां तक के हजरत खातिम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर अल्लाह ताला के आखिरी खलीफा होकर बहुत ही और खसूसियात के साथ तशरीफ लाए थे मतलब दूसरे खुशियात ये थे कि इससे कबिल अंबिया खास खास कौमों मुल्कों की तरफ होते थे एक वक्त में दो मकाम पर भी नबी आते थे लेकिन रसोल सालम और उसके दोनों कौम जन्नात इंसान सबकी तरह भेजा गया था आपका इख्तियार पूरी दुनिया की दोनों कौमों पर हावी फरमाया था कुरान करीम में फरमाया कि इन रसोल जमिया तो ये एक अलग मौजू है थोड़ा सा इसमें डिटेल है यही फजीलत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो क़्यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए बनी नौ इंसान जिन्नात वगैरह के लिए सब के लिए भेजे गए थे एक दूसरी खसूसियत ये भी है के पिछले खबिया की खिलाफत नियाबत चाहे आप उसे कि रिसाल या नबी थे तो उनके जो खिलाफत नियाबत है अल्लाह ताला का खलीफा नाइब होना जिस तरह खास खास मुल्कों कोमों में महदूद होती थी इसी तरह एक खास जमाने के साथ भी मखसूस थी उसके बाद दूसरा रसूल आ जाता तो पहले रसूल की खिलाफत नियाबत खत्म हो जाती और आने वाले रसूल की खिलाफत कायम हो जाती थी हमारे रसूल सल्ला खात्म अम्बिया बना दिए आपकी खिलाफत आपकी नियाबत नाइब होना तक कायम रहे उसका जमाना भी कोई मखसूस जमाना नहीं बल्कि जब तक जमीन आसमान कायम है जमाने का वजूद है वो कायम है पेशु. तो हमारे रसोल की खसूसियत में है कि आपका दीन आपकी शरीय क्यामत तक महफूज भी रहेगी जिसको इन्ना इन्ना में अल्लाह ने बयान फरमाया तो एक व्य रसूल की है कि पिछले के खिलाफत नियाबत जो महदूद जमाने के लिए होती थी हर नबी रसूल के बाद दूसरा रसूल मीन जानबिल्लाकर होता था और नियाबत का काम संभालता था लेकिन खातम्बिया वसलम का जमाना खिलाफत नियाबत तामत ता तक है तो इसलिए इसलिएमत तक आप ही इस जमीन पर खलीफतल्ला है आपकी वफात के बाद निज़ाम आलम जो सिस्टम है निज़ाम हुकूमत है उसको संभालने के लिए जो भी होगा वो रसूलुल्लाह का नाइब होगा वो खलीफतर है वो रसूलुल्लाह का नाइब होगा सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रसुल्लाम ने फरमाया कि का नत बनो तसू तसूस अम्बिया बन इसराइल की सियासत हुकूमत उनके अम्बिया किया करते थे नबी नबी जब भी एक नबी फौत होता तो दूसरा नबी आ जाता था वह वा नबी आबादी यकीन मेरे बाद कोई नबी नहीं है वह खलफा फुरून इसलिए मेरे खलीफा होंगे और बहुत होंगे अब जो खलीफा राशिदीन अबर ऊस्मान वाली ये खलीफतर रसूल है खलीफतुल्लाह नहीं है खलीफा में ये नहीं है ये रसोल रसोल्ला रसुल। के खलीफा है खलीफतल रसूल कहा जाता था बल्कि एक खलीफा को कहा कि यह खलीफतुल्ला अब्बा के सिद्दीक उन्होंने डांटा कहा कि मुझे खलीफतल्लाह नहीं बोलो मुझे खलीफतरसूल बोलो मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ मैं अल्लाह का खलीफा नहीं हूँ सुबह यानी कि ये बात तो आपने बहुत ही बेहतरीन कर दी कि जो हजरत इस्माइली हजरत कहते हैं कि हमारे इमाम को खलीफा अल्लाह की तरफ से मुक्र किया गया है आपने तो उसका बेहतरीन रद्द कर दिया और अल्फाज नहीं मेरे पास कि आपने इतने अच्छे तरीके से ये बात साबित कर दी कि अल्लाह का खलीफा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई हो ही नहीं सकता खिलाफत जो है वो जो खलीफा थे वो रसूल के नायब करदा थे सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रही है जी जी आप आप कंटिन्यू कीजिए अगला सवाल करती इसी पैराग्राफ के हवाले से बोलिए मैं, मैं एक बात और मजीद अब जो खुलाफा रजी है ये जो चार खलीफा राशिदीन जिसे कहा जाता है उनके आखिरी खिलाफ सही उस पर चलता रहा और इसलिए उनके फैसले सिर्फ ये नहीं की कोई वक्ती तौर पर हंगामी फैसलों की मजबूत महकम दस्तावेज थे एक दर्जे में उम्मत के लिए मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो खुलाफा राशिदीन की सुनत को भी लाजिम पकड़ो गोया कि हम जब किसी खलीफा के इन चार खलीफों में से चाहे हजरत अली हो चाहे उमर हो जिस किसी भी कम बात को लेते हैं तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ कर लेते हैं अब कोई आजान एक बाजार में देते हैं तो उसको हम ये नहीं कि हजरत उस्मान ने जारी किया ये हजरत अली रजी त अपनी मर्जी से जारी किया हम उसको ये ये के लेते कि ये भी अल्लाह के रसूल का हुक्म है अब ये जो खिलाफत राशिदा के बाद क्या हो गया अल मुल्क की कह दे कहते को इधर उधर टुकड़े होना इसका आगाज हो गया मुख्तलिफ खत्ों पर मुख्तलिफ अमीर बनाए गए उनमें से कोई भी बाकायदा खलीफा कहलाने के मुस्तक नहीं है हाँ किसी मुल्क कौम का अमीर खास कहा जाता था उनको क्या कहा जाता था वो जो मुल्क होते थे ना वो भी अब भी तीन चार मुल्कों को मिलाओ इतने इलाके का एक अमीर होता था तो जब पूरी दुनिया के मुसलमानों का इज्तिमा किसी एक फर्द पर मुश्किल हो गया नामुमकिन तय हो गया तो टुकड़े टुकड़े हो गए तो हर मुल्क हर कौम का अलादा अलीहिदा अमीर बनाने की रस्म फिर शुरू हो गई शुरू में अमीर होता था अब तो वजी अजम वगैरह हो रहे हैं ना तो मुसलमानों ने उसका तकरूर भी उसी इस्लामी नजरिए के तहत जारी रखा शुरू में उनका इंतखा करना बेत करना तो मुल्क के मुसलमानों की अक्सरियत जिसको अमीर मंतख करे वही उस मुल्क का अमीर और उलुल अमर कहलाता था वही शख्स मुसलमानों की अक्सरियत जिसको अमीर मुतन करे उसी को उलॉलमर कहलाता था चार खुलाफा राशिदीन के दौर में तो यही थे दिनिया में भी और जो है ना कुरान के बया, बयान हो या हुकूमत के इंतजाम में उलुल अमर यही होते थे और जब मुख्तलि पर बहुत सारे मुसलमानों ने अपने लिए अमीर मुंतब किए वही सब उलुल अमर थे उस दौर में तो वो चूंकि बहुत सारे मुसलमानों के मशवरे से तय था तो कुरान की ये जो आयत है शूर नंबर बयालीस की आयत नंबर अड़तीस है वह अम्रम शूर आबई ना हो इसी के तहत वो भी किसी न किसी तरह अमर थे और उसके उनके पैरवी करना अहकाम में उनके तिबाह करना उस वक़्त भी लाजिम था जी ये मुख्तसर तौर तो पर मैंने खिलाफत की बात सामने रखी तो खलीफा की तारीफ ये है जो और इसे, इसे तो, ये हो गया कि जैसे आपने फरमाया कि जो खलीफतुल्ला होता है उसमें तो कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा होता है अल्लाह का नायब होता है और लेकिन खलीफतल तो रसूल में तभी जो है वो उलर वाली आपने आयत का जिक्र किया और बहुत अच्छा किया आपने जिक्र किया इससे यह बात क्लियर हो गई कि जिस उलॉलमर की ये बात करते हैं वो तनाज़े वाली आयत में आ जाता है जो आपके इमाम पर फिट भी नहीं होती और आपके इमाम उस आयत में फिट नहीं होते आगे मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि उन्होंने लिखा है कि इस्लाम में इसके इस इस मतलब खलीफा के अतला में एक ऐसी हस्ती है जिसके अक्वाल अफाल खुदा के अकवाल और अफाल हों हमारी अतलाह में इस्लाम में ऐसी ऐसी असलाह है इसके खलीफा की किस तरह का सवाल इन्होंने किया है क्या वाकई में खलीफा की इनके जी इनके क्या पर मैं, आ, तकरीबन पाँच सौ से ज़्यादा जियाद, एतराज़ वारित होते हैं ये बंदा के ही बैठ के लिखे बात करें ना तो इस तरह कुछ भी बोलता है महफिल में फिर ये जुमला ये हम इस्तिलाही तारीफ किसी की वो करेंगे अगर उर्दू में भी करे तो उर्दू के पहले जो गुजरे हुए है लुग, लगत में पहले लोघी तारीफ़ में बड़े लुात को लिखेंगे अतलाही तारीफ में उस जमात को ले लेंगे जो जमात उसके अंडर रह चुकी है जो जमात ऐसी चीज़ों की असतलाही तारीफें लिख चुके हैं मसलन हम अगर उर्दू में जाए तो उर्दू के अदीबों की तारीफ को ले लेंगे हम अगर मरास के किसी मसले में जाए तो मरास के माहरीन की, की बात लेंगे तफसीर में जाए तो वो असलाही तारीफ काबिल इतबार होगी जो मुफसरीन करते हैं अगर हम हदीस की तरफ जाए तो मुहदसिन की तारीफ उनकी असलाह को ले लेंगे अब इन्होंने खलीफा की असलाह पत्नी अपनी तरफ से की है कि वो जिसके अकवाल अफाल मतलब ज़मीन में अल्लाह का नाइब वो शख्स है जिसके अकवाल अफाल और अहवाल अल्लाह जैसे हो अल्लाह अल्ला जैसे हो तो ऐसा कोई खलीफा नहीं हो सकता ना अम्बिया ऐसे थे ना उनके बाद खलीफा रसूल में से कोई ऐसा हो सकता है जिसके अकवाल अफाल मतलब वो ऐसे कौल करे करे भी अल्लाह की बात हो या वो काम ऐसा करे जो अल्लाह का काम हो तो या उसके हाल अहवाल अल्लाह के अहवाल जैसे हो ये बिल्कुल अक्ल से समझ से तर बात है कि ऐसे बहुत गलत बात तो, है मैं आपको क्लियर कर, कर दूँ उनकी थोड़ी सी उर्दू अगर थोड़ा प्रॉब्लम है मैं ये बता दू अकबाल यानी कि जो वो कहते हैं अफआल जो वो एक्शन करते हैं और अहवाल जो उनकी हालत है मैं सही कह रही हूँ कासिम भाई तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा इंसान यानि खलीफा वो ऐसा इंसान होता है जो नाउजुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला जिसका बोलना यानी जो वो बोल रहा है जो वो कर रहा है और जो उसको देख कर यही लगे कि ये नाउजुबिल्ला अल्लाह जैसा है अल्लाह है नाउजुबिल्ला इस तरह की इन्होंने बात बयान कर दी है इसी वजह से इसी इन्हीं बातों की वजह से कहते हैं कि हमारे इमाम को देखना अल्लाह को देखने के बराबर है बिल्ला अली को देखना उनके चेहरे को देखना अल्लाह को देखने के बराबर इस, इन ऐसी बातों की वजह से जो उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की है इनशाला मौलाना कासिम काज मुकम्मल रद्द करेंगे जी आगे फरमाइएगा जी तकरीबन खलीफा और वगैरह के मुताल काफी हद तक बातें वाजे हो गई अल्लाह तबारक व के ताललीफा इन नीचा अर्द खलीफा था तो वहाँ पर बरह रास्त खलीफा जो थे वो अम्बिया थे आदम से शुरू होकर रसोलम पर ख़त्म हो गई अब उसके बाद जो खलीफा थे वो खलीफ रहा राशिदीन और उसके बाद वाले जो भी छोटे मोटे दौर के लिए खलीफा रहे छः महीने हज़रत हसन रजील ते आनू थे और जो है मुआविया रज के दौरे खिलाफत को बल्कि सुन्नत वल जमात भी उसको मल्कित की तरफ भी मनसूख करते हैं अल किसी न किसी तरह वो भी कुछ इख्तियार उसमें आ गए थे उसके बावजूद भी खिलाफत से भी बाज लोग ताबीर करते हैं वो सारे थे वो खलीफतुलरसूल थे वो बायदा तौर पर खलीफतुल्लाह नहीं थे इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर फिल खलीफा में इंसान बनाने को कहा गया है तो देखिए देखे के तमाम इंसान अल्लाह के मखलूक तो है अल्लाह के खलीफा नहीं है तमाम इंसान नहीं है क्योंकि तमाम इंसान अल्लाह तबारक व ताल के अहकाम उनके पूरे निज़ाम सिस्टम को दुनिया में नाफिज करने के, के लिए नहीं है बहुत सारे ऐसे कि वो टोटल टोटली शुरू से पैदाइश के जैसे ही मुकलफ हो गए मरने तक अल्लाह तबारक के, आख, के खिलाफ चलते हैं तो वो तो इस लिहाज से किसी तौर पर भी नाइब नहीं कहलाए ना यहाँ तो उससे मुराद सिर्फ अम्बिया सलाम है और आप अगर ये सवाल उठाए कि चले आखिर नबी तक थे अब कौन है खलीफा अल्लाह का जमीन में तो भाई रसोलियामत तक के लिए खलीफा है अगर उसके बाद कोई खलीफत किसी को मानता है, है वो ये नहीं मानता है नबी थे रसूल थे खलीफा थे इससे भी इनकार कर रहा है और जो आप हमसे पूछो कि भाई तुम क्यों खलीफा मानते हो बकर उमर उस्मान अली को हम उनको खलीफत रसूल मानते खलीफतल्लाह नहीं मानते जी हमारे जो तीन सवाल थे उसका आपने बेहतरीन तरीके से एक घंटे के अंदर जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी समझ में भी आया और बाकी भी यहाँ पे जो पैनल में लोग होंगे वो भी अगर कुछ वजाहत चाहेंगे तो जरूर आपसे अब रब्ता करेंगे एक घंटे का ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ इन अगले सवाल इन के लिए आखिरी एक बात मैं अरज करूँ की यहाँ पर इस आयत से ये निकाला उस आयत सा ये मफहम निकाला इस आयत से ये निकालना लाजमान इससे ये नतीजा निकलता है भाई ये नतीजा निकालने वाले आप कौन है पहली बात यह है कि आपने तमाम आयतों का गलत तर्जुमा गलत तरफ ले गए उसका तर्जुमा अगर आप सामने बैठो तो हम मुहकीकाम को बैठा कर तफसरों को सामने रखकर फिर तर्जुमा करेंगे फिर इंटरप्रिटेशन ना आपकी चलेगी ना हमारी चलेगी फिर उनकी चलेगी असलाफ की चलेगी उम्मत उम्मत के बड़े फा की मुहदसन की मुफसरिन की बात चलेगी जो कि महफूज तरीके से आई है आप अपनी मर्जी से अपना माना ले लो मैं अपनी मर्जी से अपना ले लूँ ये कुरान के साथ ऐसा खिलवाड़ ये कोई खिलौना नहीं है कि हर कोई आए और अपने लिए अपने बातिल अकायद को समझाने की उससे दोनों आयतों तीन को मिला के एक नतीजा अखज करे ये नामुमकिन है इनके तराज महफूज है सेब है वो बड़े बड़े मुफसरीन सहाब क्राम अहलिबैत अजाम उनके तर्जमे सामने रखकर फिर हम बात करेंगे कि आप किधर जा रहे हैं कैसे नतीजा अखज कर रहे हैं और हम जो बयान कर रहे वो अलहमद ला वही है जो हमारे असलाह बुजुर्गों ने अइम्मा ने अह बैत ने सहाब कराम ने बयान किया हम वही बयान कर रहे आप अपनी तरफ से मुख्तलफ आयतों पर गौर फिक्र करके इधर उधर नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरासर कुरान के साथ भी जियादत है और जो है ना आ, भी के साथ भी जियाती है और ये बहुत नामनासिब हरकत है इससे बाज रहना चाहिए जी इससे बाज रह जाए अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट वन था हमारा बहुत ही मुकम्मल इस पूरे मकाल में को अच्छे तरीके से उधेड़ के रख दिया था हमारे मौलाना कासिम साहब ने अल्लाह की मदद से कुरान और हदीस की आ, तालीमात के जरिए अब ये पार्ट भी इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं रहा कि यहाँ तक जो चार पार्ट चार पेज थे शिर के पोशिदा पहलू में इन्होंने किस तरह आफ्ताब मिशनरी ने अपनी बदयती से क्या साबित करना चाहा वो अब आपको अगले पार्ट थ्री में उसका सिर्फ ट्रेलर दिखा देती हूँ इन्होंने ये साबित करना है कि आदम अलम को सजदा करना जायज था क्योंकि वो अल्लाह का ही एक दूसरा वर्जन एक दूसरा किस्म एक दूसरा मजहर था और इसी वजह से ये अपने इमाम का सजदा करना भी इसी वजह से साबित करेंगे और अगले पार्ट में हम इस बात का भी रद्द करेंगे कि ये जो हरकतें होती हैं इमाम की पूजा करना जो जमात खानों में हो रहा है तस्वीरें आगे रखी है उनकी आरती उतारी जा रही है उनको सजदा किया जा रहा है उनको देख जो है वो दुआएं मांगी जा रही है ये सिर्फ एक झलक इनके पेज नंबर फाइव की दो पेज और रहते हैं इसमें ये पूरी तरह खुल के सामने आने वाले हैं जिसमें ये अपने इमाम को अल्लाह का मजहर कहेंगे बल्कि अल्लाह ही कहने वाले हैं आप अगला पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है पार्ट थ्री वो जरूर जरूर देखिएगा ताकि अगली बार अब कभी भी आपको कोई इस्माइली शिर का पोशीदा पहलू का यूट्यूब चैनल का लिंक दे या फिर आपको यह मकालमे की कॉपी दे तो उनके मुंह पे दे मारेगा और उनसे कहेगा कि ये लीजिए हमारे उलमाए कराम ने इसका रद्द कर दिया है और मुकम्मल तौर पे किया शिर का पहलू का सिर्फ डेढ़ घंटे का मकालमा था आफताब हुसैन का लेकिन इसका रद्द हमारा इंशाल्लाह चार घंटे पर पहले डेढ़ घंटा हुआ अब इनशाला भी हमारा एक घंटे पर मुहित है जरूर हमें अगले प्रोग्राम में भी देखिएगा और आफ्ताब हुसैन के लिए आखिरी आखिरी कलेमात जो हम हर दफे कहते हैं मौलाना कासिम साहब आप इनको हमेशा एक मुनाजरे का मुबाइले का चैलेंज करते हैं एक दफा फिर रात याद दहानी करवा दीजिए क्योंकि क्यों हमारे एक भाई ने इसमाइली भाई ने इनका नंबर लिया है क्योंकि मैंने इनको अभी डायरेक्ट मैसेज किया इन्होंने वो देखा रिप्लाई नहीं किया अब इस्माइली इस इनको इनको अप्रोच कर रहे हैं इस्माइली इस जमातान से पकड़ रही आफ्ताब साहब आपने सात आठ साल जो है वो यूट्यूब पे अपने चलाए आज आप किधर चले गए आज आप क्यों नहीं आके अपने इस मकालमे को डिफेंड करते मौलाना कासिम साहब आखिर में आफ्ताब हुई हम तो एक दफा एक घंटा भी वेट करते रहे आप निकालें भी कि नहीं आए चैलेंज नहीं बल्कि इस दफा दावत देते हैं उनको कि भाई देखिए आपकी वजह से बहुत सारे लोग गुमराह भी हो रहे हैं आप एक दफ़ा अपने तराजीम अपने ये सारे फलसफा जो आपके बड़े ने ए, लिखा है मुख्तल किताबों में और इस्माइली जो शरी अहकाम के बारे में जो करते हैं उनको सामने रखे और जो हकीकी तर्जुमा मुफ्रीन वगैरह ने किया है हमारा नई लोग खानियों के खिलाफ जो दावत का, का जो बात करते हैं या दावत देते हैं उनको छोड़कर आम मुफरीन सिर्फ कुरान फहमी के लिए उठाकर कर सामने रखकर आप भी देखें ना इन आप पर वाजे होगा एक और बात मैं ऐड करूं कि फराज बाई ने आज शेयर किया था वो इमामी मुबीन का लफ्स कुरान में दो जगह आया है उन्होंने माशाला दो जगह वो अपने अंदाज में उन्होंने बनाया है आसान वाजह है दूसरे इसमायों से भी ग्रुप में शेयर किया गया है और फिर भी करेंगे इन ग्रुप में भी उसमें जाकर उसको देखे कुरान के साथ मिला करके ये इमाम मुबीन से क्या आखान मुराद है या इससे कुछ और है हम भले आप अभी सुनी ना हो जाए लेकिन अपने इलम में इजाफे के लिए न्यूट्रल होकर एक दफा देख तो ले मुता तो करे कि कला इमाम मुबीन से कौन मुराद है दोनों को मिलाकर अपने मुखियों की तरह जिम भी और इ, इस भाई ने जो तहकीक है चूंकि पहले भी इस्माइली थे इसी पे तहकीक करते हुए वो सुन्नी हो गए मुसलमान हो गए माशाल्लाह। तो आपको भी दावत है कि एक जरा खुले दिल के साथ तासुब के चश्मे उतार कर किसी के साइड लिए बगैर खुल के देखे तो मशनरी साहब भी और दूसरे भी हमारे जितने भी इस्माइली वो है जितने भी है वो सब जरूर देखे इसको अल्लाह तबारिक वाली हम सबको हिदायत नसीब फरमाए आमीन सोमा जजाकल्ला खैर पार्ट वन को यहाँ पे एंड करते हैं और जो लोग हमें यूट्यूब पर आगे भी देखना चाह रहे हैं ये पार्ट टू है नहीं मतलब इस पार्ट टू जो एपिसोड टू को मैं इधर एंड कर रही हूँ और फिर अगर हमारा जो इसके बाद एक और प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसी यूट्यूब पर दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो हमारे साथ आप इसके इसी प्रोग्राम के हिस्सा दो में आ सकते हैं मैं यूट्यूब के इस पार्ट को एंड करती हूँ आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिए और फिर जो सवालत होंगे वो हमारे बाकी भाई भी आपको उसके जवाब देंगे और हमारे भाइयों के जो सवाल थे जो प्रोग्राम के बीच में कर रहे थे वो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं यूट्यूब पे दोबारा से हमें ज्वाइन कीजिएगा प्रोग्राम का पार्ट वन यही इस प्रोग्राम का एंड करते हैं जी ये ये तो हो गया एंड